भगवान के प्रति जिसके मन में, और वो भी भगवान ऐसे जबरदस्ती के भगवान नहीं है, हवा है तो है, पवन है तो है, रुक जाए तो तुम रुक जाओगे। कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कीमत देख चुके, तड़प तड़प के मरने वाले लोगों को देख चुके। वही ऑक्सीजन जब सिलेंडर में भर करके आया तो बोलना नहीं चाहिए, अंडर हैंड लाखों रुपए में भी बिक गया कहीं कहीं। प्राणों की कीमत है साहब, सिलेंडर मुझे मिल जाए लाखों रुपए भी लोगों ने दे दिए, इतना सा हवा का। और अभी यहां बैठ के हजारों हजार लोग यहां बैठे हुए हैं और दम तक सांस ले रहे हैं, एक बार भी पवन भगवान के प्रति, देवता के प्रति तुम्हारे मन में प्रणाम करने की भावना आई, अपने बच्चों को सिखाया? एक्चुअली क्या है ना महाराज जी, कि धर्म कर्म में हमारे बच्चे नहीं लगते, क्यों ना, बड़े लॉजिकल है वो, लॉजिकल, बड़े लॉजिकल। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? लॉजिक क्या है? कि जो मेरे लिए कुछ करता है उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते करते हैं। नेताजी को तुम ही वोट दे के जिताते हो, तुम्हारे ही वोट से जीतते हैं, तुम्हारे ही पैसे के टैक्स को लेकर के तुम्हारे यहां के रोड और नाली बनाते हैं, फिर भी चरण में गिरे रहते हो। गिरते हो कि नहीं? वरना एक सेल्फी हो जाता आपके साथ। बोलो, बोलते नहीं। तुमने ही वोट दिया, तुमने ही टैक्स दिया, और उन्हीं के साथ एक नाली वो बना दे तो कितना बड़ा काम किया इन्होंने। सूर्य तुमने बनाया? सूर्य तुम्हारे लाइट से चल रहा है? उसके बाद भी सूर्य, चंद्र, प्रकृति, वृक्ष तुम्हें क्या नहीं दे रहे? हमारा तो आदत है महाराज जी, हमारे लिए जो करता है हम भी उसी के लिए करते हैं। हाँ, नहीं तो हमारा हमारा भाई टाइम पर हमारे लिए काम किया था, इसीलिए हम मानते हैं। अच्छा, हमारा मित्र टाइम पर काम किया था, इसीलिए हम मानते हैं। अच्छा, और बरसों से विटामिन डी देकर अगर ये रुक जाए एक महीने के लिए, जिन देशों में सूर्य कभी कभी निकलते हैं उनकी हालत देख के आओ, कैसे जीते हैं वो लोग। कुछ ऐसे हैं पृथ्वी पर जगह, उनकी हालत देखो, कितने रोग हैं उनके पास, देखिए आओ जाकर, जिंदा भी कैसे, भगवान जाने, जिंदा भी नहीं है ठीक ठाक। हवा नहीं, सूर्य नहीं, पानी नहीं, कैसे जियोगे? और हमारे शास्त्र में इनको भगवान माना है, ठाकुर जी हैं हमारे, आदित्य नारायण, सूर्य नारायण। अरे भारत का नाम भी तो सूर्य के नाम पर भी है। भास शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, भास शब्द का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं, भा माने ज्ञान। ऐसा समाज, ऐसे लोग जो सदा ज्ञान में रत रहते हैं, भा में रत रहने वाले लोगों को भारत कहा गया है, इसी से इसका नाम भारत भी पड़ा है। ये भी भारत नाम पड़ा है, जान लो। तो लॉजिकल है हम, क्या ये लॉजिक नहीं है कि जिस सूर्य ने तुम्हारे पति को जान दिया, तुम्हारे घर वालों को इतना जान दिया, क्या क्या नहीं दे रहे वो? हवा चल रही तो ऑक्सीजन ले रहे हो, उनको अपने बच्चों को भगवान कह के प्रणाम कराने में कहते हो मेरे बच्चे थोड़े साइंटिफिक हैं, लॉजिकल हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे नंबर वन। अब आगे तुम खुद सोचो, हम काहे व्यासपीठ से बोले, जो जोड़ना है जोड़ लो। लॉजिक ये कि बिना बिल लिए, बिना हमसे कुछ मांगे, अनंत काल से भगवान सूर्य हमारी सेवा कर रहे हैं, चंद्र हमारी सेवा कर रहे हैं, वायु हमारी सेवा कर रही है,
वृक्ष हमारी सेवा कर रहे हैं, इस मिट्टी पर थूकते हो, इस पृथ्वी पर गंदगी डालते हो, सीना चीर देते हो पृथ्वी का, उसके बाद भी अन्न निकाल के तुमको खाने के लिए देती है। कर्नाटक के कोलार से सोना निकाल के देती है हमारी भारत माता, धनबाद से कोयले निकाल के तुमको देती है, यही पृथ्वी माता तुम्हें। इसलिए हमारे बच्चों को प्रातःकाल करमध्ये करमूले तू पढ़ते थे ना, भूल गए? इसको पढ़ने वाले क्या कहते हैं, ये सब आउटडेटेड लोग हैं। अरे आउटडेटेड की खानदान तुम हो, तुम रावण की खानदान हो, जो देव उसी के प्रति तुम कृतज्ञ हो, जो देव उसको तुम धन्यवाद तक नहीं दे सकते, प्रणाम तक नहीं कर सकते। बताओ दुनिया में ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद करता है? कोई तुमसे जब कर्ज मांगने आता है तो कितना दांत निकाल के मांगने आता है बस एक महीने के लिए, उसके बाद तो फिर बेटा दे दो एक बार, उसके बाद तुमको वो बता देगा कि तुम्हारा बाप है कि दादा है। फोन लगाओगे ट्रन ट्रन, पहले तो उठाएगा नहीं, एक मिनट उठा, हाँ बोलिए, वो ऐसा ऐसा, हर समय फोन मत किया कीजिए, पैसा लिया हूं, कोई आपका गुलाम नहीं हो गया हूं, दे देंगे समय आने पर। अबे अब कब देगा, दे। पैसा उधार में देना मतलब बैठे बैठे दुश्मनी लेना। सुनो भागवत सुनने वालों, भले दो चार लोगों का मदद रुक जाए तो रुक जाए, पर दुश्मनी लेने को तैयार हो तभी उधार इत्यादि दिया करना, नहीं तो 90% लोग, 90%, अब भारत में ज्यादा है, कम से कम इस मामले में विदेशों में कम है, वो व्यवहारिक बड़े पक्के हैं। इसलिए विदेशों के ट्रेनों में मग को जंजीर से नहीं बांधी जाती होगी, क्योंकि इतना भी कोई चोर नहीं होगा कि वो बाथरूम का मग ले जाए। ये अपने ही देश में है भाई, वाह गर्व है मुझे अपने देश पर, क्या भारत पाया है मैंने। मुंह ऐसा हो गया सबका, ये महाराज जी तो सनातन के विषय में बोलते हैं, भारत के विषय में आज उल्टा कैसे बोल रही है। अभी मैंने तुम्हें कहा कि शास्त्रों ने तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान की हर लीलाओं को लिख दिया, तो मनुष्य को अपनी ऊंचाई और अपनी नीचाई दोनों को जानना चाहिए, मनुष्य को अपने गुण और अवगुण दोनों को जानना चाहिए। केवल गुणों में जो फंसा रहेगा अहंकारी रावण हो जाएगा, अवगुण जानेगा तो भक्त होने का लक्षण मिल जाएगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, चिंतन दियो वा को बिसरानी, ऐसो नमक हरामी। सूरदास, सूरदास कहते हैं कि मैं नमक हराम हूं। बताओ सूरदास नमक हराम है? सूरदास जैसा आदमी पैदा होगा इस पृथ्वी पर? ऐसे महात्मा आएंगे दोबारा? लेकिन वो भी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वाको बिसरानी, हाय हाय मैं ऐसो नमक हरामी, हाय हाय मेरे नसीब में ऐसो माइक आनी। तो अवगुणों की भी चिंतन किया करो, डरा मत करो। तुम्हारे बच्चे में अगर गुण है तो गुण का प्रकाश किया करो, हमारा बच्चा ये 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 ये। कुछ माताओं की आदत ऐसी हो गई है, बहन आवे, बहनोई आवे, फूफा आवे, जीजा आवे, पड़ोसी आवे, बड़ा एक नंबर का शैतान है, पढ़ने में मन नहीं लगाता, सामान फेंक देता है। अरे दुश्मन है कि मैया है तू? साइकोलॉजिकली मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर प्यार में भी इठला इठला के बार बार अपने ही कोमल मस्तिष्क के बच्चे को शैतान, अपने ही बच्चे को बदमाश, अपने ही बच्चे को नटखट कहोगे तो वो बातें उसके चित्त में घुल जाती हैं, चित्त पे असर डाल देता है। तुम्हारा तो मुंह ऐसा बन गया है कुछ भी बोलने का बोलती रहती हो। स्टॉप, भारत के भविष्य को मत बिगाड़ो। मां हो इसका मतलब क्या भारत का भविष्य बिगाड़ दोगी? भारत बिगाड़ने का जिम्मा मिला है तुमको। कभी भी अपने बच्चों को किसी भी व्यक्ति आगंतुक के सामने कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी उनके दुर्गुणों का प्रकाश नहीं करना चाहिए।
जानबूझ के इतरा के एक नंबर का शैतान है, बताइए ना, मोबाइल तोड़ दिया है। एक नंबर का शैतान है। कल चाचा जी आए थे, पत्थर उठा के मार दिया, बेचारे का माथा फूट गया है। व्हाट इज दिस, जस्ट लाइक स्टूपिड पीपल।